आपको प्रॉपर्टी फिर वापस आ जाएगा, वो बेदखल हो जाएगा प्रॉपर्टी से, और जिसको भी दे सके। अच्छा पड़ोसी भी मिल जाए, नहीं तो किसी को भी जो देखभाल करेगी उनको भी चले जाए, वो भी है ठीक है। और एक भी है, एक बेटी है वो शादीशुदा नहीं करके घर में रह जाती है, तो उनका भाभी अभी जाती है, क्यों घर रह गई, क्यों घर रह गई, वो क्यों नहीं जाती, वो बताते हैं। तो उसके ऊपर भी आपका हक बन गया है, बेटा का जितना हक है घर रहने का, बेटी का भी इतना हक है, वो भी घर रह सकेगी, वो प्रॉपर्टी पर हक ले सके ठीक है। इसके लिए भी आप कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, ये फ्री है, वो कोर्ट में एक इसके अंदर आप जाकर उसमें भी हेल्प ले सकेंगे। हम भी उसमें से काम कर रहे हैं, भुवनेश्वर कोर्ट में हम हैं, और ऑल ओवर इंडिया के लिए तो लोग एक ही है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है तो सबके लिए एक ही है, तो आपके वहाँ भी ठीक है। और ये है कि जिस तरह आपका एजुकेशन, एजुकेशन के पर मैं आती हूँ, ये तो थोड़ा योजनाएं के बारे में किस तरह हेल्प मिल जाए थोड़ी बहुत बताया, वो ज़्यादा है, ज़्यादा बताया तो टाइम लगेगा, इतने वक्त आपके पास नहीं हमारे पास भी नहीं, तो इसलिए हम इतने बताए। तो अब बच्चे का जाएंगे एजुकेशन में, एजुकेशन में 25% सीट रिजर्व है, आपके पास पैसा नहीं है, सरकारी स्कूल में आप बच्चे को दाखिला दिया है पढ़ाने के लिए, आपके पास इंग्लिश मीडियम में, जावियर में, डिपॉल में, कहाँ पर पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारा पैसा उसको डिपॉजिट देना पड़ता है, तो आप कोर्ट से मदद ले सकते हैं। 25% सीट आपके लिए रिजर्व है, जिसका एनुअली इनकम 180,000 है, ये आपको पता है क्या नहीं? नहीं पता नहीं, तो अब पता लगा, इसका फायदा भी आप उठा सकते हैं ठीक है। और आप लोग का यहाँ सरकार ने बनाया है, मगर आप लोग यहाँ बनाया नहीं, मुझे पता नहीं, मैंने मिंता बहन से भी कभी पूछा नहीं, मगर मिंता बहन एक बार बोल रहे थे उसने लेबर कार्ड के बारे में, और बता रहे थे कोई कोई लेबर कार्ड कर रहे हैं, मगर अब ये श्रम कार्ड जो है ना घरेलू महिला भी बना सकते हैं, आप लोग सिलाई करते हैं ये भी श्रम कार्ड बन सकता है, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर, दूसरा अनकंस्ट्रक्शन वर्कर, उसको संगठित उसको अनसंगठित बोलते हैं ठीक है ना। इसके लिए आप जो महिलाएं हैं घर पर रहते हैं, वो सिलाई करते हुए कुछ दुकान दिए हैं, कुछ भी काम करते हैं ना, उनके लिए भी कार्ड बन सकता है। उस कार के ऊपर आपका निर्माण श्रमिक जो है उनके ऊपर मकान भी किसका नहीं है, अपना पेरेंट या प्रॉपर्टी, ऐसे भी हो है गाँव में कभी उनका कुछ प्रॉब्लम से उनका जमीन नहीं है, वो बासहीन है, बास नहीं है, रहने के लिए बास जो होता है वो नहीं है, एक फंडामेंटल राइट्स है, आप लोग को समझ में नहीं आएगी, वो मौलिक अधिकार होते हैं ठीक है। मौलिक अधिकार के ऊपर आपका जाती है क्या, पहले एजुकेशन, मगर शिक्षा, एक जब पैदा हो गई एक बच्चा लड़की या लड़का, पढ़ने का हक है सबको, शिक्षा प्राप्त करने का, वो खाने के लिए खाद्य का वो मौलिक अधिकार है ठीक है, उसको मिलना जरूरी है, रहने के लिए अधिकार है वो भी जरूरी है, वो स्वास्थ्य के लिए है वो भी जरूरी है, तो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए मगर किसी का भी प्रॉब्लम हो गया तो आपको 180,000 के ऊपर मगर इनकम आपका सर्टिफिकेट है रोजगार वन एक साल का आप दिखा पाएंगे तो एक सुविधाएं हैं आपको फ्री में और कम पैसा में, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आपका इंश्योरेंस दिखा कर आपका फ्री ट्रीटमेंट हो सकता है, उसी में हार्ट ऑपरेशन भी हो सकती है फ्री में, हम कितने को भी करवाया है उड़ीसा में और बाहर स्टेट में भी हम कराए हैं, ये भी कर सकते हैं हम फोन करके, बहुत सब इधर भी उधर भी काम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, क्यों हम उड़ीसा से होते हुए झारखंड में कुछ हो गया, मिंता बहन को भी फोन करके हम बताते हैं बहन जी हम बाहर आ गए हैं, हम भुवनेश्वर में नहीं है, आप थोड़ा फोन करके हमारा टीम को कोई भी लड़की को भेज दीजिए, थाने पर हो जाएंगे, उसका केस रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनको न्याय दिला सकेंगे, तो इस तरह हम फोन करके भी हर एक थाने पर काम भी उन लोगों से ले सकते हैं, हेल्प भी लेकर एक महिला को एक किसको भी हेल्प दे सके ठीक है। ये भी है आप लोग के लिए, और रास्ते में पानी आ रही है ठीक, बिजली नहीं मिल रही है और पीने का पानी का प्रॉब्लम है, इसलिए भी आप सरकार के ऊपर जाकर एक एफआईआर, जिस तरह कोई नहीं सुनेंगे तो थाने पर एफआईआर दे सकेंगे, नहीं तो आपका वीडियो है, तहसीलदार है, कोर्ट कोई नहीं सुनते हैं आपका, तो आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में एक अप्लीकेशन देंगे, ये भी सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा एक चुटकी में।
कान पर चप्पल घिसना नहीं पड़ेगा, ये भी एक चीज ठीक है। और आपके लिए और बहुत सारा क्या है, जिस तरह नेचुरल कैलामिटीज प्राकृतिक विपर्जय आती है कभी कभार, नहीं तो आपका कुछ भी नुकसान हो जाता है उसके ऊपर भी आप फैसिलिटी से सहायता ले सकते हैं। और किसी के ऊपर एसिड आ गई तो उसके ऊपर भी ले सकते हैं। आपके यहाँ तो बहुत कम है, मगर आपके आपके यहाँ कम है मगर किसी एरिया में भी ये रेप वगैरह हो जाती है लड़कियों का, उसके लिए सारे बात जो पेरेंट्स रहते हैं उन घर पे शर्म आएगा क्योंकि उनका घर पर देखो वो कोई रेप करके चला गई तो उनका वो गया तो गया, वो लड़की का क्या प्रॉब्लम है बताइए। वो लड़की को क्या करते हैं ना, बाहर जाने के लिए रूम नहीं देते। ये हमारा इतना छोट सोच है, इतना बड़ा सोच रखना चाहिए। उनका क्या है, वो क्या किया, उनको कोई पनिश करके चला गया, आप कुल्लम कुल्ला घूम रहा है उसको कोई कुछ नहीं कहता। आप लोग का लड़की है वो तो बर्बाद हो गई तो आप लोग उनके साथ छोड़ देते, पहले उनको साथ देना चाहिए। उनके लिए एक कंपनसेशन है 10 लाख की अंदर सरकार ये योजनाएं बना रखे हैं। एक लड़की का ऐसा कुछ भी हो जाए तो आप घर में छुपाएंगे नहीं, आप थाने पर जाएंगे, FIR लिखेंगे, FIR के बाद आपका टेस्टिंग करने के लिए सखी एक मेडिकल में बनता है, सखी न्यूज में सुना है कभी टीवी पर, वो सखी पर आप जाएंगे उसके ऊपर FIR दर्ज करके एप्लीकेशन देंगे, उससे मदद ले सकेंगे और आपका 10 लाख तक उसमें हेल्पिंग मिलता है। उसका नाम है विक्टिम कंपनसेशन, ओके ठीक है, वो भी मिलता है। सबका नॉलेज में रखना चाहिए आप लोग को, क्योंकि सब चीज जानेंगे तो आपके लिए नहीं होगा तो क्या होगा, दूसरे को तो मदद कर सकेंगे ना। हाँ ये भी आप कर सकेंगे, किसी को भी कोई छुपा लेते हैं घर में उनको सारे मिलकर ना आगे बढ़ाना चाहिए, किसी का भी प्रॉब्लम हो जाए ऐसे भी ठीक है इस तरह। और आप लोग को जिस तरह थोड़ी बहुत नॉलेज में देने के लिए हमने ये बता दिया आपको, काम के बारे में अब हम आएंगे ठीक है। आप लोग का जो काम चल रहा है इसके लिए ये ट्रेनिंग आप लोग के लिए है, इसके बाद आप उसको डेवलप करने के लिए जो सिलाई वगैरह करते हुए सारे को किस तरह हम मार्केटिंग तक पहुंचाएंगे उसके लिए हम ध्यान देंगे। इसको हमारा जो स्टॉल आती है एग्जीबिशन होती है एग्जीबिशन पर भी हम ले सकेंगे, लेने के लिए हमारा इसका ब्रांड चाहिए, एक ब्रांड बन जाए मगर श्रद्धा बन या हमारा ये जो बनता है राज का ब्रांड जो उसका नाम पर एक ये आँख बंद करके ना मार्केट में चला जाएगा, नहीं कुछ भी ब्रांड बन जाए नाम लग गया तो इस बार बन गया तो दोबारा हम एग्जीबिशन स्टॉल में डालने चलेंगे तो सबको पता लग जाएगा कौन सा कौन बनाया है, ये किसका ब्रांड है, देखो तो राज ब्रांड आया है या तो फेमस हो गया, चलो उसका हमको दे दो ये ब्रांड। पापड़ भी बना सकते हैं, अचार का बना सकते हैं, चिली सॉस टमाटर सॉस जेली स्क्वाश आप ये भी बना सकते हैं, अपनी क्यू मगर चांदुआ का जो वन हैंगिंग वगैरह बनता है ना, डोर स्क्रीन सोफा का कवर बेडशीट पिलो कवर ये भी बन सकता है डिजाइन वगैरह ठीक है, ये भी बन सकते हैं। आगे जाकर हम श्रद्धा का ग्रुप है वो हमारा चैनल भी है उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे उसके ऊपर जब आप ग्रुप बन जाएंगे ऑनलाइन टीचिंग हम दे देंगे ठीक है ना, बताओ ऑनलाइन टीचिंग भी मिल जाएगा, ऑफलाइन में सब कुछ ट्रेनिंग नहीं मिल सका तो ऑनलाइन में आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप लोग को हम जिसका इस तरह बड़ा वाला फोन है स्मार्ट फोन है जिसका नहीं है दो चार मिलकर बैठ जाएंगे, हम संडे को एक टाइम फिक्स करेंगे उस टाइम पर हमारा ट्रेनिंग क्लास शुरू होगा ठीक है, आप लोग को उसमें ट्रेनिंग दे देंगे, उस ट्रेनिंग पर आप ज्वाइन होंगे मोबाइल ऑन करेंगे, जिसके पास मोबाइल है जिसके पास नहीं है उसके पता उसके पास आ जाएंगे आप लोग साथ एक साथ बैठने के लिए बैठ जाएंगे, बैठेंगे तो हम उसको ट्रेनिंग भी दिला देंगे आपका किस तरह अचार का किस तरह पापड़ का सब एट अ टाइम तो हम नहीं कर पाएंगे, बहुत किसका अपने अपने इतने सारे थोड़ी बहुत कोई भी दो जन मिल के पापड़ कर लो, दो जन मिल के अगरबत्ती कर लो, दो जन मिल के कुछ भी और दूसरा प्रोजेक्ट बना लो, क्योंकि हमारा तो मार्केटिंग का अब दिक्कत ही नहीं रहा, हम तो मार्केटिंग आराम से करेंगे रजनी एसोसिएट जो है कि नहीं, अब तो हमारे पास प्रॉब्लम नहीं रहा। बिंता बहन पहले बता रहे थे जब हम बताए बिंता बहन का दिमाग में आई बहन वो जो करेंगे मगर हम मार्केट कैसे करेंगे, मार्केट कौन करेगा ये महिलाएं पूछ रहे थे, मैंने बताया वो तो आप छोड़ दीजिए चिंता नहीं करना, बताया था ना बहन जी। हाँ
समूह में करेंगे, 10-15 के जो भी है, तो सोचिए कि हम पहले तो मार्केट में सर्च करें, सस्ते में सस्ता कपड़ा, ड्यूरेबल भी हो, सस्ते में सस्ता भी, फटने वाला नहीं, ड्यूरेबल हो, क्या काम कर सकते हैं वो काम का रिपोर्ट विभा जी को, अंजू जी को, स्वाति जी को दीजिए और इस तरीके से अपना चेन ऑफ वर्क डेवलप क्योंकि जब तक आप लोग का माइंड नहीं साफ आपका काम तो बहुत अच्छा है। एक मिनट रोकूंगी मैं बहन जी से, क्योंकि आपको बता देती हूँ ये श्रद्धा का आपका स्टेट में जो कोऑर्डिनेटर है, डायरेक्टर अध्यक्ष बताते हैं, प्रेसिडेंट वही स्टेट प्रेसिडेंट प्रिंसिपल बहन है और सेक्रेटरी स्वाति बहन है और ये बहन है आपके रजादार रहेंगे स्टेट में एमपी का और अंजू बहन है वो वाइस प्रेसिडेंट वो रहेंगे और आपके पास करेंगे और जो आप लोग के डिस्ट्रिक्ट में प्रभारित जिले में जो हमारा टीम रहेगा वो आपको गाइड करते जाएंगे और जो सामान बन जाएगा रे मटेरियल आपको मैन्युफैक्चर होने के बाद जो बन जाएगी तब आप एक ब्रांड बनाकर पकड़ बनाएंगे उस तरफ हम मार्केट भेजेंगे क्योंकि हमारा ब्रांड नहीं था, कोई सामान नहीं खरीद करने के लिए आए थे, अब हमारा मार्केटिंग का सुविधा हो गया है, हम अपने आप मार्केटिंग कर सकते हैं, कोई हमको कंप्लेन नहीं करेगा, वो जान कर रहे हैं, वो अगरबत्ती कर रहे हो, किसी ब्रांड का है, कहाँ से लाए हो, कोई नहीं पूछ सकता, ये अपना ब्रांड बनाया है हमने, अपने ब्रांड से ही हम मार्केट करेंगे, एसोसिएट के नाम हम ही काम करेंगे, श्रद्धा के नाम पर हम मीटिंग वगैरह ट्रेनिंग वगैरह मैन्युफैक्चर सारे काम उसमें करेंगे और जो बताया कोटेशन सबसे पहले